हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आकर्ष व्लॉग्स। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेकर आई हूँ पुरानी दिल्ली की गलियों में, जहाँ हम एक्सप्लोर करने वाले हैं चांदनी चौक मार्केट और सदर बाज़ार मार्केट को। अगर आप दिल्ली विज़िट करते हो ना, तो पुरानी दिल्ली आना मत भूलिएगा। और अगर आप यहीं के हैं तो आपको तो बेशक पता होगा कि यहाँ पे क्या हाल रहता है। शॉपिंग अगर करनी होती है तो लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं। चांदनी चौक बेसिकली वेडिंग शॉपिंग के लिए फेमस है, तो अगर आपको ट्रेडिशनल वेयर्स में कुछ लेना है तो आप बेशक चांदनी चौक से शॉपिंग कर सकते हो। फिलहाल चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें। वैसे तो पुरानी दिल्ली अपनी मॉन्यूमेंट्स के लिए बहुत फेमस है, लेकिन अब लाल किले का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। तो भाई, चांदनी चौक पहुंचते के साथ आपको ये नज़ारा ज़रूर देखने को मिलेगा। लाल किले से जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, तो टाउन हॉल में एक और बेहद ही प्यारा सा नज़ारा हमें देखने को मिलता है, जो कि नेचर की खूबसूरती को दर्शाता है। वैसे दिल्ली जैसे क्राउडेड स्पेस में ऐसा नज़ारा बहुत ही रेयर देखने को मिलता है आपको। यहाँ पे वैसे तो सारे जितने भी डीलर्स हैं वो होलसेल में ही डील करते हैं। मोस्टली सारे डीलर्स जो होते हैं ना यहाँ पे, वो होलसेल में डील करते हैं। पर आपको एक या दो पीस चाहिए अगर है तो वो भी आपको रिटेल प्राइस में दे देंगे, लेकिन वो थोड़ा प्राइजी रहता है। तो अगर आप बल्क में कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं, तब आपके लिए चांदनी चौक एक अच्छी जगह है। वरना तो आपको नॉर्मल रेट्स ही मिलेंगे यहाँ पर, जो आपको बाहर मिलते हैं वही रेट्स में आपको यहाँ सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। इस तरह के छोटे छोटे से शॉप्स हैं, लेकिन इसमें इतनी वैरायटीज़ हैं कि अगर आप बैठोगे ना अगर यहाँ पर भी, तो आपको यहाँ भी बहुत सारे वैरायटीज़ मिल जाने हैं। तो अगर आप ट्रेडिशनल शॉपिंग के लिए चांदनी चौक आ रहे हो तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि ये एक कम्प्लीट सोल्यूशन है आपके शॉपिंग के लिए। यहाँ पर आपको इतनी सारी वैरायटीज़ मिलने वाली है ना कि क्या ही कहने। ये तो खैर कपड़ों की वैरायटी है, आगे चल के हम और भी देखेंगे काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं जो आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ आप देख लो, मोस्टली यहाँ जितने भी शॉप्स आपको दिख रहे हैं ना, सारे ट्रेडिशनल वेयर्स उन्होंने डिस्प्ले कर रखा है अपने शॉप के बाहर। तो आपको मोस्टली ट्रेडिशनल वेयर्स ये दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर भीड़ जो रहती है वो वेडिंग शॉपिंग की रहती है, या फिर आप कह सकते हो कि होलसेल डीलर्स की भी यहाँ पर भीड़ होती है। लेकिन मोस्टली आपको यहाँ पर सारे ट्रेडिशनल वेयर्स ही मिलने वाले हैं। तो भाई, बाहर आ गए हम और अब हम रुख कर रहे हैं सदर बाज़ार की ओर। लेकिन उसके पहले आपको एक छोटी सी झलक हम दिखाना चाहेंगे। चांदनी चौक में जो फुटवेयर हमें दिखा था, काफ़ी सारे वैरायटीज़ थे उसमें भी, जिसमें से कुछ थोड़े प्राइजी थे और कुछ मुझे नॉर्मल प्राइस के ही लगे। तो इस तरह से आपको लाइन से ना एक फुटवेयर की आपको दिखने वाली है शॉप्स की लाइन, जो कि एक साथ सारे फुटवेयर्स का उन्होंने कलेक्शन रखा हुआ है। तो इधर भाई हम, आप देख लो, ये छोटा सा एक नज़ारा था फुटवेयर्स का, तो आपने देख लिया फुटवेयर। अब हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है सदर बाज़ार। सदर बाज़ार हम स्पेशली जा रहे हैं चूड़ियों के लिए, क्योंकि वहाँ हमने सुना है कि चूड़ियाँ और अगर आप कुछ एक्सेसरीज लेना चाहते हो, लाइक पर्स हो गया या फिर इयररिंग्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ बहुत अच्छे रेट से मिलती हैं। जैसे कि यहाँ आप देख लो, चूड़े का कलेक्शन है और काफ़ी सारे वैरायटी हैं। आपको जिस भी कलर में कस्टमाइज़ कराना है आप कस्टमाइज़ करा सकते हो। अगर आपको नाम लिखवाना है तो आप नाम लिखवा सकते हो। आप फ़ोटो कस्टमाइज़ करा सकते हो अपने चूड़े में। तो काफ़ी सारे वैरायटीज़ हैं। एंड उसके अलावा भी आपको यहाँ पर, अगर आप इयररिंग्स वगैरह कस्टमाइज़ करके बनाना चाहते हो ना, तो आपको वो भी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये भी परचेज़ करा था,
इसे बाजरे का कंगन कहते हैं, सो दिस वॉज़ वेरी प्रिटी, तो हमने ये भी परचेज़ कर लिया था और भी कुछ चीज़ें हमने यहाँ से परचेज़ करी थी। तो खैर ये चूड़े का कलेक्शन हो गया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, लाइक अगर अपने हल्दी या मेहंदी सेरेमनी के लिए अगर आप यहाँ से कुछ फ्लावर ज्वेलरीज लेना चाहते हो, आर्टिफिशियल फ्लावर ज्वेलरी ऑफ कोर्स, तो आप वो भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हो और इस तरह की चीज़ें आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाहर निकलने के बाद ये था सदर बाज़ार का असली नज़ारा, जो कि एक्चुअली वहाँ पे शूट करना भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका था। मैं जब सदर बाज़ार गई थी तो उस टाइम पे कुछ होली का टाइम चल रहा था, तो ये जो छोटा सा मैंने क्लिप बनाया था ना, ये उसी टाइम का है। तो एनीवेज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, एंड अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।